morning, class 3rd. I hope you all are fit, healthy at your home. In our yesterday class, I have completed question number 1 to 5. And in this class, I am going to start from question number 6. Question number 6 is, uncircle the largest number and underline the smallest one. Means is, जो लार्जेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर मीन्स ग्रेटर नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा नंबर, उसको सर्कल करना है और जो स्मॉलेस्ट है उसको अंडरलाइन. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन 6. क्वेश्चन 8. 3,533, 3,533, 3,533, 3,533. Okay. So uncircle the greatest number. So look at the numbers. 3,300. Starting number, all the numbers, starting number is same. Sub means starting number 3 hai. And number 3 means 3,000. Starting is the order 3,000 se. Okay. Then see the next number. 300, 500, 00, 500. So, sirf in dono numbers ko dekhte hain. Abhi underline nahi karna, main aapko batane ke liye bata rahi hoon. 3500, isme bhi 3500. Then 30, 33. So, the largest number is 3533. So, uncircle this number. Okay. And then smallest one, underline the number. 3,000, 53, 3,003, and the smallest number is 3,003. Okay, then question number 3. 97,361, then comma 97,631. Again, comma 97,136, comma 93,761, comma 91,736. Okay. So first of all, check the number. What is the largest number? Largest number means greatest number, bada number. So check the number. So what is the, which is a greater number? So 97,000, 97, 97. So in 3 mein se check karna hai, baki 93, 91,000 hai. Okay. So 97, 97, tino common hai. So next, third number dekhiye. इसमें 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 1 है, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ आपका? होगा ये वाला. तो हम किसको सर्कल करेंगे? इस नंबर को. तो सबसे फर्स्ट जो नंबर सेम होते हैं उनको, अगर वो सेम है तो उसका नेक्स्ट नंबर देखो. ठीक है, सबसे फर्स्ट आप देखोगे ये 91 है, यहाँ 93 है, 97, 97, 97. तो इन तीनों में से देखेंगे ये नंबर तो छोटे हो गए. ठीक है, अब इसमें से भी ये तो कॉमन है, सेम है. सो सी द नेक्स्ट नंबर, थर्ड डिजिट 361. तो इसमें से कौन सा बड़ा हुआ? 6. तो इसको सर्कल कर दिया. एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? 91 इज द 91,000.
Again, what is ascending number? Ascending number means the numbers are arranged in increasing order. Increasing means बढ़ते हुए numbers में, smallest to greatest. So in this question, the numbers are arranged from smallest to greatest, increasing order में. Increasing या greater smallest to greatest का मतलब है सबसे छोटा number, then उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. But carefully आपको identify अच्छे से करना है. So let's start question A. 1 9 1 0. So हमें इसमें क्या चाहिए? Smallest to greatest. Ascending number means numbers are arranged in smallest to greatest. So सबसे first हम smallest number ही देखेंगे. तो smallest number 0. 2 same है, इसके बाद 0. So first number is 2019. Then put the sign. Ascending order में इस तरीके से sign लगाना है, ठीक है? जो भी numbers होंगे अब बड़े होंगे. Then इसके बाद कौन सा number बड़ा है? इससे बड़ा कौन सा number है? यहाँ पे 2 1, ये तो और बहुत ज़्यादा बड़ा होगा. यहाँ पे 2 1, यहाँ पे भी 2 1. अब देखिए third number check करते हैं किस में छोटा है. 0. 2109 2199. तो कौन सा number पहले आएगा? इससे बड़ा ये है ना, इससे बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा ये होगा. तो हम पहले कौन सा लिखेंगे? 2109. अगर आपने ये लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा. अब इस नंबर से बड़ा कौन सा है? ये वाला. ओके, एंड देन लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 2910. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. 561 अगेन कॉमा 5100 कॉमा एंड देन लास्ट डिजिट इज 15010. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट. 5000 5000 5000 एंड दिस इज नंबर 15000 बिकॉज दीज आर फोर फाइव डिजिट नंबर एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द डिजिट इज 4 डिजिट नंबर. ये 5 डिजिट नंबर है, 5 करी और ये 4 डिजिट नंबर है, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया. इन तीनों में से चेक करना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है. तो सेकंड नंबर देखो आप, 6 है यहाँ पे, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, तो सबसे 1 हो गया ना छोटा. तो सबसे फर्स्ट हम कौन से लिखेंगे? 5100. देन पुट द साइन. अब इससे बड़ा कौन सा नंबर है? इससे बड़े दोनों नंबर है, बट पहले कौन सा आएगा? 5691 देन कॉमा कॉमा साइन 5961 एंड देन लास्ट डिजिट इज 15010. ओके, सो इस टाइप से करना है आपको. सबसे स्मॉलेस्ट, देन उससे ग्रेटर, देन उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर. इस अकॉर्डिंग से असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स जो अरेंज होते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, ऐसे आपको चेक करना होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Arrange the given numbers in descending order. Question number 8. Descending order. Means greatest to smallest. Greatest to smallest. इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा, ऐसे कर करके लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इंक्लूड होगा. एंड द क्वेश्चन ए, डिजिट
6000 again comma 4009 and the answer is so find the greatest number 6000 4000 से स्टार्ट होना है ये भी 6000 तो इन दोनों नंबर से चेक करना है कि कौन सा बड़ा नंबर होगा 6999 इज द ग्रेटेस्ट नंबर और डिसेंडिंग ऑर्डर में साइन इस तरीके से होगा इसमें इस तरीके से रीजन ये है क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर होगा ठीक है अब इससे छोटे नंबर आएंगे देन इसके बाद इससे छोटा कौन सा नंबर होगा सारे छोटे हैं लेकिन जस्ट इससे छोटा 6000 देन 4990 एंड दिस इज 4009 अब आप दोनों नंबर देखोगे स्टार्टिंग के दोनों सेम है थर्ड नंबर कौन सा बड़ा है ये वाला तो आपको कौन सा नंबर लिखना है ये और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट आएगा 4009 ओके सो आई होप कि आप पढ़ लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर का रिवर्स होता है अपोजिट होता है असेंडिंग ऑर्डर का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर smallest four digit number okay smallest four digit number answer is so first of all I am telling you if you ask any what is the smallest one digit number agar aapse koi puche ki smallest one digit number kya hoga one digit pe hona chahiye wo smallest pe hona chahiye so one hota hai sabse smallest eight digit hi hai isme और सबसे छोटा नंबर भी है ओके और अगर आपसे कहा जाए ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर तो 9 अब अगर आपसे कहा जाए स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर 9 तक तो वन डिजिट रहता है ग्रेटेस्ट 10 टू नंबर्स भी है और सबसे स्मॉलेस्ट भी है ओके स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर तो आपको अगर इस तरीके से कहा जाए तो आपको फाइव डिजिट तो यहाँ पे फाइव डिजिट हो गई ठीक है तो वन के बाद आपको उतने जितना आपसे पूछा जाएगा फाइव डिजिट पूछी जाएगा तो 40 लगाना है वन के बाद अगर सेवन डिजिट पूछी जाएगी तो वन के बाद 60 लगाना है तो टोटल मिलाकर वो सेवन डिजिट्स हो जाएंगे इसी तरीके से आपको ग्रेटेस्ट के साथ करना है ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट थ्री ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर इस तरीके से ठीक है तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले वन लिखोगे देन कितनी फोर से बिफोर क्या आता है थ्री तो 30 लगा दो तो टोटल मिलाकर ये कितनी हो गई फोर डिजिट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जी स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर सो स्मॉलेस्ट पार्ट फाइव डिजिट नंबर के लिए वन लिखोगे इससे बिफोर फोर आता है तो 40 आप लगाओगे ठीक है वन तो आपको लगाना है और उससे बिफोर आपको जितना नंबर होगा उतनी जीरो लगानी है तो टोटल ही कितनी हो गई फाइव डिजिट हो गई नेक्स्ट जी ये एच क्वेश्चन है ये एच है जी क्वेश्चन है लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर कोई बात नहीं हम यहाँ कर लेते हैं लार्जेस्ट फोर डिजिट लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर सो आपको बताया मैंने वन डिजिट क्या होती है 9 फोर टाइम्स लिख दो 99 तो ये हो जाएगा लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर सेम लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर 5 टाइम्स 99 लिख दो और राइट द स्मॉलेस्ट फिगर यूजिंग जे क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट राइट द स्मॉलेस्ट राइट द स्मॉलेस्ट फिगर यूजिंग स्मॉलेस्ट फिगर बनानी है किसका यूज करके यूजिंग एंड दिस इज 8964 से इससे जो बनेगी स्मॉलेस्ट फिगर सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है 4 फिर उसके बाद 6 का यूज करेंगे फिर 8 का यूज और लास्ट में 9 का यूज ओके इस तरीके से सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गया होगा आज का टॉपिक यही था मेन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर एंड ग्रेटेस्ट
नंबर मीन बड़ा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स छोटा नंबर, एंड असेंडिंग ऑर्डर द नंबर्स आर अरेंज इन फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड सेम रिवर्स दस इन डिसेंडिंग ऑर्डर द नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट सबसे बड़ा। बट आइडेंटिफिकेशन अच्छे से करनी है, कौन सा नंबर बड़ा है उस अकॉर्डिंग।